गाइज माइक्रोफोन बनाने के लिए माइका मटेरियल का यूज किया जाता है, जिससे कि हमारी जो आवाज है वो रिकॉर्ड होती है। परंतु गाइज आज मैं पेंसिल की सहायता से माइक्रोफोन बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। गाइज आज हम लोग पेंसिल से माइक्रोफोन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग पेंसिल लेंगे और पेंसिल को हम लोग यहाँ कुछ फ्यूल डाल करके इसको जला लेंगे। जलाने के बाद में गाइज इसके ऊपर का जो लकड़ी है वो जल जाएगी और जिससे कि इसके अंदर का जो ग्रेफाइट है वो बच जाएगा, जिसका हम यूज करके माइक्रोफोन बना सकते हैं। गाइज पेंसिलों से हमें ग्रेफाइट जो होता है वो मिल चुका है। अब गाइज इसके बाद में हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर एक माचिस लेना है। माचिस के अंदर जो भी तिल्लियाँ हैं इसको खाली कर देना है, हमें इसके अंदर वाला जो खाली हिस्सा है वो चाहिए। गाइज इसके बाद में यहाँ पर माचिस के दोनों सिरों पर हमें कुछ इस तरीके से होल करके पेंसिल का जो ग्रेफाइट है इसको हमें कुछ इस तरीके से डाल देना है। गाइज इसके बाद में हम लोग एक दूसरा ग्रेफाइट लेंगे, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद में इसको हम माचिस के इन दोनों ग्रेफाइटों के ऊपर इस तरीके से रख देंगे, जिससे कि इन दोनों को जोड़ने का काम करे। और गाइज इसके बाद में यहाँ पर हम लोग एक ईयरफोन लेंगे। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब कंडीशन का ईयरफोन है मेरे पास, थोड़ा सा एक साइड का जो कान में लगाने वाला है वो टूटा हुआ है, बाकी अच्छे से काम कर रहा है। अब गाइज इसको मैं इसके साथ में कनेक्शन करके आप लोग को दिखाऊँगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर दो चिमटी चाहिए जिसके साथ में तार जुड़े हों, लाल और सफ़ेद। और इसके बाद में यहाँ पर हम लोग एक बैटरी लेंगे 9 वोल्ट की, इसका कनेक्शन वाला तार भी हमें चाहिए। इसके बाद में हम इस बैटरी का जो एक कनेक्शन है हम पेंसिल के एक सिरे में इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे और बैटरी से जोड़ देंगे। और इसके बाद में जोड़ने के बाद में इसका जो एक दूसरा सिरा है इसको हम ईयर प्लग के ऊपर वाले या बीच वाले में लगा देंगे कुछ इस तरीके से, देखिए। और गाइस इस चिमटी का जो दूसरा सिरा है हम ग्रेफाइट के दूसरे वाले सिरे में लगा देंगे जिसमें माचिस में हमने ग्रेफाइट लगा रखा है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो गाइस इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को समझा दूं ये कैसे कनेक्शन हुआ है। तो गाइस देखिए पहला इसमें जो कनेक्शन है, जो माचिस में जो ग्रेफाइट है इसमें जो पहला जो सिरा है जो ब्लैक तार से मैंने जोड़ रखा है, और इसके बाद में यहाँ पर जो लाल वाला सिरा है इसका कनेक्शन मैंने जो हमारा ईयरफोन था इसके आगे वाले सिरे पर कर दिया है लीड के, और दूसरे बीच वाले सिरे में इसका दूसरे वाले ग्रेफाइट से कनेक्शन कर दिया है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, आप लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइज इसको हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं यह काम करता है कि नहीं करता है। गाइज बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। गाइज ये जो ईयर प्लग है इसको सीधा आपको कान में लगा लेना है, और उसके बाद में जब आप कुछ भी जो हवा वगैरह चल रही है सब इसके थ्रू मेरे कान के अंदर आ रही है, और जैसे यहाँ मैं आवाज़ कर रहा हूँ तो यहाँ से जो भी खुट खुट की आवाज़ है वो मेरे कान में आ रही है। इसको गाइज मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, ये कैसे सुन रहा है मेरे कान में। तो गाइज ये जो माइक है ये जो मेरे हाथ में है ये फ़ोन का माइक है और ये ईयरफोन है। अब इन दोनों को आगे लगा देता हूँ जिससे कि जो ईयरफोन की जो आवाज़ आएगी वो माइक के अंदर जाएगी, जिससे कि जो भी कुछ आवाज़ होगा ये जो हमने माइक बनाया है माइक्रोफोन वो पता चल जाएगा आप लोग को। तो गाइज यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया है। गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।